हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का नीलम भारती किचन में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे से अप्पे रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बाउल में 1.5 कप पोहे ले लिए हैं। अब इसमें पानी डालकर इसे हम फूलने के लिए छोड़ देंगे लगभग 5 मिनट। तो 5 मिनट हो गया है, तो पोहे अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर पानी निचोड़ के ले लिए हैं। अब इसे हम मैश कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मैश कर लिए। तो अब डाल देंगे इसमें हम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, ग्रेट किया हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच खड़ा जीरा। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हम यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब हम मिश्रण को थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और नींबू आकार का सभी का बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सभी बॉल्स बना करके तैयार कर लिए। तो हम यहाँ पर गैस पे एक अप्पे स्टैंड चढ़ा दिए गरम होने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल के इसे हम ब्रश से मिला देंगे। तो हम यहाँ पर मिला दिए और यह गरम भी हो चुका है। तो अब इसमें हम तैयार किए हुए सभी बॉल्स को डाल देंगे। तो यहाँ पर सभी बॉल्स को डाल दिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए लो गैस पे ढक देंगे। तो 10 मिनट हो गया है, तो ढक्कन हटा करके इसे हम उलट पलट कर देते हैं और फिर इसे हम दोबारा ढक्कन से फिर ढक देंगे। फिर हम दोबारा ढक्कन हटा करके इसे हम उलट पलट फिर दोबारा कर देंगे और इसी तरह करके हम 2 से 3 बार करेंगे। तो देखिए 2 से 3 बार करते हुए अब ये हमारा पोहे अप्पे बनके रेडी है। आपको ये पोहे अप्पे की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।